पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश कुमार एवं उनके कर्मचारियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइन का कोई महत्व नहीं है और सब कुछ जानते हुए भी डॉक्टर रजनीश कुमार के क्लिनिक में कोरोना नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है और अपनी ख्याति बताने के लिए मरीजों की भीड़ जमा की जाती है। डॉक्टर साहब हालांकि एक दिन में 60 मरीज ही देखते हैं, किंतु उन 60 मरीजों का नंबर तब तक नहीं लगाया जाता है जब तक कि बड़ी भीड़ क्लिनिक में जमा नहीं हो जाए, और जब बड़ी भीड़ जमा हो जाती है तब अचानक काउंटर खोलकर 60 मरीजों का ही नंबर लिया जाता है और इस दरमियान क्लिनिक में भारी अफरा तफरी मचने के साथ साथ लंबी कतार लग जाती है। इस दरमियान नाराज लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब का मरीज देखने और नंबर लगाने का सिस्टम बिल्कुल घटिया है, क्योंकि डॉक्टर साहब 60 मरीज ही देखते हैं। ऐसे में जो पहले आता है उनका नंबर लगाकर 60 पूर्णे तक बंद किया जा सकता है, किंतु डॉक्टर साहब के कर्मचारी तब तक नंबर नहीं लगाते हैं जब तक बड़ी भीड़ क्लिनिक के आगे जमा नहीं हो जाती है और तब लोग अपना नंबर आगे बढ़ाने के लिए अफरा तफरी मचाने लगते हैं। पूछताछ के दरमियान डॉक्टर साहब के कंपाउंडर का तेवर भी साथ में आसमान पर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना को लेकर DM साहब और SP साहब ने जो आदेश दिया है उसका यहाँ कोई महत्व नहीं है। तभी तो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए यहाँ प्रतिदिन बड़ी भीड़ लगाई जाती है। भीड़ का कि 5 बजे से नंबर लगाना शुरू करते हैं और जब भीड़ जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक ही बार गेट खुलता है, जिसके कारण ये लंबी भीड़ दिखता है। इसका अच्छा मतलब गेट को बंद करके लोगों को जमा करके रखता है। हाँ। और अचानक खोल देता है। अचानक खोल देता है। अचानक खोल देने से क्या हो जाता है फिर? इससे भीड़ लंबी हो जाती है, बहुत बड़ा लंबा लाइन। अच्छा ऐसा अगर करे कि गेट खोल के रखे बारी बारी से लोग करे तो भीड़ लगेगी क्या? भीड़ नहीं लगेगी। तो ये क्या जानबूझ के इस तरह से हो रहा है, गलती हो रही है लोगों से क्या? गलती हो रही है। आप लोगों ने उनको कहा नहीं कि इस तरह से मत करिए? बहुत ज़्यादा कहा। पर्सनली हम अपने भीड़ को देखते हुए कहा कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, कहे कि अभी कोरोना काल है, बहुत तेज़ी से संक्रमण हो रहा है, इसके लिए प्रशासन से भी हम फेसबुक के माध्यम से आह्वान किए हैं। अच्छा भीड़ जमा करके तब अचानक खुलता है, क्या ये बात सही है कि भीड़ को जमा कर? बिल्कुल 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 सही है। अरे हम यहाँ पर जब पहुँचे हमने जब भीड़ देखा तो हम कहे कि हम लोगों को जो आप यहाँ इस भीड़ में खड़ा रखिएगा तो हमारा जान जान का आप लोगों को कोई परवाह है कि नहीं है, ऐसे बोले उन लोग से कहा आपको लाइन लगाना है तो लगाइए, नहीं तो अपना जाना है तो जाइए, यहाँ ऐसे चलता है, यहाँ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। अच्छा हमारा अपना नियम है, यहाँ कोई दूसरा कोई नियम नहीं है। इनका अपना नियम है। हम कहे तो हम लोग जो डॉक्टर साहब से दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, आपके पास क्या समाधान है? उन्होंने कहा कि हमारे पास यही समाधान है कि आप भीड़ में अपना खड़े रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई बात से मतलब नहीं है, आपको जैसे खड़ा रहना है। हम कहे हमारा उम्र भी देखते हैं आप। तो इस तरह से बात किया वो लोग? एकदम बिल्कुल बात किया, हमको वहाँ से हटा दिया, कहा कि आप निकलिए, हमको डिस्टर्ब करते हैं आप। अच्छा ये बताइए कि अगर जिस तरह से गेट को बंद करके भीड़ को जमा करके एक साथ यहाँ लाया जाता है ना, इसी भीड़ को कम करने के लिए जो लोग जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे नंबर लगाते जाएगा तो क्या भीड़ लगेगी वैसा? तो हमने ये कहा कि अगर आप इस तरह से बताइए कि सवेरे से 7 बजे से आप लोग लाइन लगाइए, जिसको जितना सवेरे होगा पहुँच करके जो लोकल हैं वो भी आ भी सकते हैं, ये कहिएगा इकट्ठे हम 9 बजे खोलेंगे, आप इसी तरह का एकदम पूरा भीड़ लगा देंगे तब लाइन लगाएंगे, ये उचित है? किसी भी रूप में ये उचित है? कहा आप जाइए 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 निकलिए। अच्छा आप लोग भी यहाँ आए हुए हैं, जितने बातें कही जा रही है वो आपको आप सही मानते हैं? सबको हम सही मानते हैं। सुबह 6 बजे हम भी आए हैं, गेट लॉक था, बोला 6 बजे से नंबर लगना चालू हो जाता है, हम ड्यूटी छोड़ करके 6 बजे आ गए हैं, हम इधर आए यहाँ पे कोई कुछ नहीं खुला हुआ है। उसके बाद फिर एक आदमी से निकला, वो बोला कि 8 बजे आइए, 8 बजे आते हैं तो देखते हैं बहुत लंबा लाइन यहाँ पड़ा हुआ है, यानी जो सुबह 6 बजे आए तो फिर हम भीड़ में पीछे हो गए, फिर अभी तक नंबर नहीं आ पाया है। और क्या कहें, ये जानबूझ के भीड़ लगाई जा रही है। अब क्या कहा जाए, ये तो जानबूझ के ही ना हुआ, अगर 6 बजे आपको नंबर नहीं लगाना था नहीं लिखना था तो आप कह देते हैं कि 6 बजे हमको नहीं बुलाए, क्यों बुलाए क्यों?
राजद युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्णिया में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने इस दरमियान कहा कि मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार देने के बजाय तानाशाही पर उतर आए हैं और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे बिहार के युवा डरने वाले नहीं है। कारी सोहेब ने कहा कि वे लालूवादी विचारधारा